दोस्तों आज यानी कि 19 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट से ट्रस्ट, सोसाइटीज, सेक्शन 8 कंपनीज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो फिलहाल सेक्शन 11, सेक्शन 12 या सेक्शन 10 क्लॉज 23C के वेरियस सब क्लॉजेस के तहत एग्जम्पशंस ले रहे हैं, इनकी टैक्सेबिलिटी, इनके टैक्स एग्जम्पशन को लेके सुप्रीम कोर्ट से आज दो बहुत इंपॉर्टेंट फैसले आए हैं। तो आज के इस वीडियो में, वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए, तो आज हम इस वीडियो में केवल एक फैसले को ही एनालाइज करेंगे, अगले वीडियो में दूसरे फैसले को एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज न्यू नोबेल एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन में एक फैसला सुनाते हुए दो तीन बिंदुओं पे लैंडमार्क फैसले दिए हैं। इस फैसले को, न्यू नोबेल एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस CIT को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया सोलली वर्ड का क्या मतलब है। सेक्शन 10 क्लॉज 23C के तहत काफी सारे वेरियस सब क्लॉजेस हैं, जिसमें ट्रस्ट, सोसाइटीज, सेक्शन 8 कंपनीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज टैक्स एग्जम्पशंस लेती हैं। तो सेक्शन 10 क्लॉज 23C सब क्लॉज 6 में देयर इज अ फ्रेज सोलली फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड नॉट फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रॉफिट। यहां सोलली वर्ड का क्या मतलब है? सोलली वर्ड का मतलब सुप्रीम कोर्ट में 100% एक्सक्लूसिवली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले दो फैसलों को पलटते हुए साल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकन होटेल्स एंड लॉजिंग एसोसिएशन और इसी प्रकार से साल 2015 में क्वींस एजुकेशन सोसाइटी में जो व्यवस्था दी थी वो ये थी कि साहब सोलली का मतलब है प्रीडोमिनेंटली। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसलों को पलटते हुए सेक्शन 10 सब सेक्शन क्लॉज 23C सब क्लॉज 6 को परिभाषित करते हुए सोलली वर्ड का मतलब समझाया या लॉ को इंटरप्रेट किया, लॉ को डिक्लेयर किया कि सोलली वर्ड का मतलब है 100%। अब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, जो ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सेक्शन 10236 की एग्जम्पशन चाहता है, तो इसे 100% एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज करनी होगी। और अगर आप एजुकेशन के दाएं बाएं कुछ देखेंगे, यदि आपकी एक्टिविटीज कमर्शियल पाई जाएंगी तो आपकी टैक्स एग्जम्पशन के लिए यह बहुत ही डेंजरस हो सकता है। न्यू नोबेल एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस CIT, इस केस के फैक्ट्स क्या हैं? आंध्र प्रदेश का एक टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर एक सोसाइटी है, सोसाइटी ने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन के सामने एक एप्लीकेशन लगाई कि साहब हमें एक अप्रूव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पर सेक्शन 10.23C क्लॉज 6 के तहत आप हमें रजिस्टर कीजिए, बिकॉज वी आर प्रमोटिंग एजुकेशन, वी आर इम्पार्टिंग एजुकेशन। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन ने इस सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने से पहले कुछ एग्जामिन किया, तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन ने पाया कि सोसाइटी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, उनका एजुकेशन से कोई लेने देना नहीं है। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये कमर्शियल हैं, दे आर नॉट इन लाइन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। एक तो ये बिंदु, और दूसरा पहलू, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन ने रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट करने से पहले एक कारण और उठाया कि सबसे पहले आप असेसी एक ट्रस्ट है, सोसाइटी है,
आप आंध्र प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2001 में रजिस्टर हैं, लेकिन इसके अलावा आपको आंध्र प्रदेश चैरिटीज एक्ट 1987 के तहत भी रजिस्टर होना चाहिए। तो इन दो बिंदुओं पर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जामिशन ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। असेसी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट मूव करता है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फैसले को ही अपहेल्ड किया। तो केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इस केस को डिसाइड करते समय मैं समझता हूं आज की जजमेंट है ये एक मील का पत्थर साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया जो जजमेंट्स दी जाती हैं एज पर आर्टिकल 141 दे देमसेल्व्स आर दी लॉ, दे आर ए पीस ऑफ लॉ। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को परिभाषित करते समय ये व्यवस्था दी है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, न केवल एजुकेशनल, मामला तो ये था हमारे लिए सेक्शन 10 क्लॉज 23C सब क्लॉज 6 में, लेकिन फैसला सुनाते सुनाते सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 10 क्लॉज 23C इसके जो वेरियस सब क्लॉजेस हैं उनको भी साथ में ही उसके लिए भी व्यवस्था दे दी, उनको भी एक चेतावनी दी कि आप भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अगर आप एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं तो केवल एजुकेशन ही इम्पार्ट कीजिए, यदि आप एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो केवल मेडिकल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोर एक्टिविटीज ही कीजिए 100%। आप इसके लेफ्ट राइट कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज जिनका आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने से कोई संबंध नहीं है तो इस पे आपको टैक्स की एग्जम्पशन नहीं दी जा सकती। तो इस फैसले के बहुत ही मैं समझता हूं फार रीचिंग इसके आयाम होंगे। इस फैसले के आने से ऐसा ना हो कि ट्रस्ट सोसाइटीज की टैक्स ट्रीटमेंट को लेकर एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 148 या 148A के तहत काफी सारे केसेस को रीओपन कर दे, इस प्रकार की भगदड़ ना मचे। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते बताया कि ये जो हमारी जजमेंट है जिसमें हम पिछले अपने ही फैसले को पलट रहे हैं ये जजमेंट प्रोस्पेक्टिवली लागू होगी। तो आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद सभी ट्रस्ट सोसाइटीज, सेक्शन 8 कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, जो सब यूनिवर्सिटीज जो सेक्शन 10 क्लॉज 23C की एग्जम्पशन लेती है, इन सभी को, इसके अलावा सेक्शन 11-12 में भी एग्जम्पशन लेने वाले सभी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस को अपनी एक्टिविटीज को एक बार फिर से झांकना होगा इसके अंदर कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन है उससे अलाइंड है। अगर आपको टैक्स एग्जम्पशन दी जा रही है केवल एजुकेशन देने के लिए, केवल एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए, तो केवल एजुकेशन ही दीजिए। इसके साथ अगर आपको मजबूरी में एज ए रिजल्ट ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन अगर आपको कुछ इंसिडेंटल बिजनेस एक्टिविटीज हो रही हैं, उदाहरण के लिए यदि आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आप टेक्स्ट बुक भी बेचेंगे, आप हॉस्टल फैसिलिटी भी चलाएंगे, आप कैटरिंग सर्विस भी आपको लेनी पड़ेंगी, देनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स को, कंप्यूटर क्लासेस भी चलाएंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी आपको स्टूडेंट्स को देनी पड़ेंगी। तो एजुकेशन से रिलेटेड इस तरह की जो कोर इंसिडेंटल एक्टिविटीज है यहां तक तो ठीक है, अगर इन एक्टिविटीज से आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है और आप इन एक्टिविटीज के लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो आपकी टैक्स एग्जम्पशन बनी रहेगी, लेकिन यदि आप इसके बियॉन्ड कुछ ऐसी कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसका आपके मेन ऑब्जेक्टिव से कोई एज सच लेना देना नहीं है तो उस पे आपको टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। आज की इस जजमेंट में एजुकेशन
सेक्शन 2 क्लॉज 15 में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 क्लॉज 15 में जब हम चैरिटेबल पर्पस को डिफाइन किया गया है तो उसमें सबसे पहला क्लॉज है चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड्स एजुकेशन। अब एजुकेशन की कौन सी फॉर्म को माना जाए कि टैक्स पर्पसेस के लिए या टैक्स एग्जम्पशन पर्पसेस के लिए, ये मतलब है एजुकेशन का। एजुकेशन लेने के कई तरीके हो सकते हैं, तो क्या हर एक फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन को चैरिटेबल पर्पस के लिए या टैक्स एग्जम्पशन के लिए एजुकेशन मान लिया जाए, क्या इतना काफी है? उदाहरण के लिए, इस समय आप ये YouTube वीडियो देख के भी एजुकेट हो रहे हैं, तो क्या इस प्रकार की एजुकेशन को फॉर टैक्स एग्जम्पशन पर्पसेस एजुकेशन माना जा सकता है? आंसर है नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज ही के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दो पिछली जजमेंट्स को फिर से एक बार अपहेल्ड किया। साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी इन केस ऑफ TMA5 फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, और इससे पहले साल 1976 में लोक शिक्षण ट्रस्ट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इन दो फैसलों में एजुकेशन वर्ल्ड को डिफाइन किया गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर आपको एजुकेशनल एक्टिविटीज पर एग्जम्पशन लेनी है तो उस एजुकेशन का मतलब है करिकुलम बेस्ड स्कूलिंग। उदाहरण के लिए, जब आप ट्रेवलिंग करते हैं, आप ट्रेवल करके भी अपने आप को एजुकेट, यू लर्न बाय ट्रेवलिंग आल्सो, यू गेट एजुकेटेड बाय ट्रेवलिंग आल्सो। जब आप न्यूज़पेपर मैगजीन्स पढ़ते हैं उससे भी आप एजुकेट होते हैं, आप म्यूजियम विजिट करते हैं तब भी आप एजुकेट होते हैं। तो क्या इस प्रकार की हर एजुकेशन को क्या टैक्स एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल माना जा सकता है? इसका जवाब है नहीं, नहीं और नहीं। केवल करिकुलम बेस्ड लर्निंग और केवल फॉर्मल स्कॉलिस्टिक लर्निंग को ही, चाहे वो उसका लेवल कोई भी हो, प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है, तो फॉर्मल स्कूल लर्निंग को ही, फॉर्मल स्कॉलिस्टिक लर्निंग को ही एजुकेशन माना गया है एज द वर्ड यूज्ड इन सेक्शन 2 क्लॉज 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट व्हाइल डिफाइनिंग द टर्म चैरिटेबल पर्पस। सो मैं समझता हूं आज के इस फैसले से और आज के इस वीडियो से आपको एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिलेगी कि जो आप अपने इंस्टीट्यूशन में, देश भर में जितने भी एसोसिएशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट, सोसाइटीज, इस फैसले के बाद हर एक टैक्स पेयर को जो कि टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर रहा है, एक ट्रस्ट सोसाइटी के तौर पर हमें अपने एक्टिविटीज को फिर से डिफाइन करना होगा, एक बार फिर से रिव्यू करना होगा कि हमारी टैक्स एग्जम्पशन बने रहने के लिए हमें किन किन नॉन कोर एक्टिविटीज को छोड़ना पड़ेगा। और इसमें ये वीडियो आपके लिए बेहद काम आएगा, ऐसा मैं समझता हूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और अगले वीडियो में सुप्रीम कोर्ट की आज ही की एक दूसरी जजमेंट को डिस्कस करेंगे।